नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। मुमताज साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मुमताज साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बाबरी मस्जिद को देने की बात की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले चीज़ ये कि जब मुसालहत की बात चल रही है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि कोई ख़बर बाहर लीक नहीं होगी, कोई भी बयान जारी नहीं किया जाएगा, कोई ख़बर जारी नहीं की जाएगी और ना कोई बात सामने आएगी। तो सबसे पहली बात ये कि जब मैंने कल मेरे पास जब ये ख़बर पहुँची और इसकी कटिंग ख़ासतौर से लखनऊ से, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। हैरत इस बात पर हुई कि आखिर क्या वजह है कि ये ख़बर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में शाया हुई है और इसमें क्यों ऐसी बात लिखी गई है कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये सब मिल करके कहीं ना कहीं ये एक बात चलाई जा रही है कि दूसरी जगह मस्जिद ले लें और इस मस्जिद को दे दें, दूसरी जगह मस्जिद को बनाने के बाद चल रही बाबरी मस्जिद को। तो वाकई ये जो है बड़ी चौंकाने वाली बात थी और इसमें चीमागोइयाँ भी हुई हैं, बड़ी जो है चीमागोइयाँ शुरू हो गई और कई फ़ोन भी मेरे पास आए। तो जब मैंने जो है रابطہ किया अपने जो नुमाइंदे हैं लखनऊ में उनसे और फिर उन्होंने बात की सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, तो उन्होंने इसकी तकरीबन तरदीद कर दी और ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ नया फ़ैसला लेने जा रहे हैं, बल्कि हमारा जो मौक़िफ़ पहले था वो अब भी है। देखिए, अब ये भी गलत है, ये बयान जो आया है इसको भी हम दुरुस्त नहीं मानते, इसलिए कि जब मुसालहत की बात आ रही है तो अगर वही मौक़िफ़ आपका है तो मुसालहत किस तरीके से होगी, फिर फ़ायदा क्या है इतनी दिन से ये मामला चल रहा है। तो ये जो चीज़ें दरमियान में आ रही हैं ये मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है। जब एक चीज़ ये तय हो गई थी कोई बयान सामने नहीं आएगा, कोई ख़बर सामने नहीं आएगी, तो फिर ये ख़बर क्यों सामने आ रही है? मैं समझता हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और दूसरे जो फरीकान हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर मसालियत की बात हो रही है तो फिर जब तक कोई फ़ैसले पर न पहुंच जाए वो कमेटी जो मसालियत की बनी हुई है, तब तक किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जी मुमताज़ साहब, इंकलाब ने ही एक खबर शाये की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंकलाब ही की मैं बात कर रहा था और इंकलाब ने ये खबर लिखी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में खबर आ जाती है तो उसके बाद ये लाजमी हो जाता है कि इंकलाब जैसे ज़िम्मेदार अखबार उसकी तहकीक करे कि आखिर ये जो खबर शाया हुई है इसकी सदाकत क्या है, और यही किया गया, ये होना भी चाहिए था क्योंकि लोग तशवीश में मुब्तला थे। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास भी कई अहम फ़ोन आए और कटिंग भी लोगों ने मुझ तक भेजी कि ये क्या है, इसको आप देखिए और मालूम कीजिए कि इसमें सदाकत क्या है। उसके बाद ही इंकलाब ने ये इनिशिएटिव लिया और बातचीत की, जिसमें सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वाजे किया है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, इंकलाब ने ही मैंने खबर लिखी थी आज से 4-5 साल पहले, बल्कि और पहले, कि जब UPA की हुकूमत थी मैंने एक खबर ब्रेक की थी और उसमें सुर्खी लगाई थी कि बाबरी मस्जिद को फरोख्त करने की साजिश, और इस पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। उसमें भी यही था कि हम जो है जो एक बिल बन रहा था वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो है वक्फ बोर्ड कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था उसमें ये दिया गया था, कुछ पॉइंट्स दिए गए थे उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो आज के जनरल सेक्रेटरी उस वक्त सेक्रेटरी थे मौलाना वली रहमानी साहब, और उसमें और लोग थे और उन्होंने शायद गालिबन कुछ के रहमान खान को सजेशन दिए थे, और इसमें एक कहा था कि जो मुतनादा ज़मीन है वो हम फरोख्त कर लें वक्फ बोर्ड की और हम दूसरी जगह उससे ज़मीन ख़रीद लें और वो मतलब तनाज़ा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसी का हवाला बना करके कि सबसे मुतनादा जगह अगर कोई आज है तो वो बाबरी मस्जिद की है, अयोध्या की है,
देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम मुसालहत नहीं चाहते या हम कोई ये चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो, नहीं, मुसालहत हो, लेकिन सवाल ये है कि जो शरायत रखी गई हैं और जिन बुनियादों पर मुसालहत की बात हो रही है, कम अज़ कम वो उसका तो ख्याल रखा जाए। अगर देना ही है तो फिर मुसालहत क्या है? ये तो बहुत पहले से डिमांड थी, आप दे दीजिए। और अगर उनको लेना ही है, यही नहीं मानना है कि हम कुछ दरमियान का रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, इस पर कब्जा ही करना है, लेना है तो ले लीजिए। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है, आप यहाँ बड़े हैं, आप ताकतवर हैं, तो आप ले लीजिए। फिर क्या ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे मुकदमे की? क्या ज़रूरत है कि आप कमेटी बना के मुसालहत करें? क्या ज़रूरत है कि इतना टाइम बर्बाद करें? और क्या ज़रूरत है कि आप सियासत करें? आपके पास ताकत है। अगर हिंदुस्तान में यही होना है कि जैसे होता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो आपके पास लाठी है और भैंस है, आप ले लीजिए। तो इंकलाब ने जो खबर लिखी है वो दरअसल रिएक्शन में लिखी है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, वरना इंकलाब के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन उसने कभी खबर नहीं लिखी इस किस्म की। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन चूंकि एक पाबंदी है तो इसलिए वो खबर नहीं लिखी गई। जी मुमताज सर, इसमें क्या सदाकत हो सकती है? ये इसमें सदाकत देखिए यही है कि कहते हैं कि बगैर आग के धुआं नहीं निकलता है। अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आग मौजूद है। तो जो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोई छोटा अखबार तो है नहीं, चलता फिरता अखबार, रोड छाप अखबार तो है नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा और ज़िम्मेदार अखबार है जिसको लोग पढ़ते हैं और जिस पर अफसरान पढ़ते हैं ख़ासतौर से, और उस पर कार्रवाई होती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगर ये बात लिखी है तो मैं समझता हूँ कि जिनके हवाले से ये खबर लिखी गई है, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, उनको भी वजाहत करनी चाहिए कि आपने ये खबर कहाँ से लिखी, कैसे लिखी। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए और ये अच्छी बात नहीं। हम चाहते हैं, हम आज से नहीं, बहुत दिन से चाहते हैं, एक ज़माने से कि जब से इसमें नफरत का माहौल बनता है, कि बाबरी मस्जिद का मसला हल हो जाए और एक दरमियान का रास्ता निकले और लड़ाई झगड़ा या नफरत की सियासत बंद हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए। देखिए मैं हमेशा यूसरा साहबा ये बात की कहता हूँ कि मुल्क में अभी जो है इक्तसादी जो मुल्क की हालत है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, और बेरोज़गारी कैसे दूर हो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, किसानों के मसाइल जो हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। तो ये जो सारे हमारे सामने मसाइल हैं, पानी का मसला देखिए हमारे सामने इस वक्त एक चैलेंज बनता जा रहा है दिन ब दिन। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि मुल्क भर के 80% गाँव में पानी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 80% गाँव में पानी नहीं है, वहाँ की क्या सूरत हाल होगी? हम किस चीज़ में लड़ रहे हैं, किस चीज़ में झगड़ रहे हैं? जब ज़िंदगी ही नहीं बचेगी, जब ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो फिर आप बाकी चीज़ें कैसे रहेंगी? क्या करेंगे आप भव्य मंदिर बना के? क्या करेंगे आप आलीशान मस्जिद बना करके अगर लोग ही नहीं बचेंगे? सवाल यह है कि आप पहले इंसानियत को तो बचाइए। ईश्वर ने या अल्लाह ने जो मखलूक यहाँ पे पैदा की है, जो मखलूक है उसकी वो उसको सुकून में चाहता है। अल्लाह जो है वो चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान राम हो, वो ये थोड़ी चाहते हैं कि उसकी जो मखलूक हो वो परेशान रहे और राम राम करती रहे। मतलब प्यास पानी के लिए वो नहीं है। अब वो एक मिसाल बहुत अच्छी है कि वो क्या है कि हो गोपाला पेट पूजा के बगैर जो है वो भजन भी नहीं होता है। जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ जाता है, ठीक है, तब तक जो है वो कुछ नहीं होता है। तो सवाल ये है कि आप ये सब जो पूरी सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अरे मेरे भाई जब बचेगा ही नहीं कुछ तो होगा क्या? तो इसलिए आप इस किस्म की सियासत को बंद कर दीजिए खुदा के लिए, और मुल्क में कैसे मुल्क डेवलप करे, कैसे मुल्क तरक्की करे, कैसे हमारे हालात जो है अच्छे हों, कैसे गैर मुल्की रिश्ते जो है हमारे मजबूत हों, टेररिज्म कैसे ख़त्म हो, दहशतगर्दी की जो आफत आई जा रही है, हर रोज़ हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, मैं बार बार इस बार अफसोस करता हूँ, ये तमाम चीज़ों पे काम कीजिए। इंटरनल इश्यूज़ पे आप जो है वो परेशान रहते हैं। बाबरी मस्जिद एक इशू बना हुआ है, राम मंदिर, बाबरी भव्य मंदिर, आलीशान मस्जिद, अरे भाई कितनी मस्जिदें यहाँ दिल्ली में खाली पड़ी, कोई पूछने वाला नहीं, अय्याशी होती है वहाँ पर।
कौन वहाँ उसको पूछ रहा है। इसी तरीके से आप मंदिरों को देख लीजिए जो हालत है, कौन लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो सवाल ये है, नदियों की जो हालत है जिनकी हम पूजा करते थे, आज गंगा की सफाई की ज़रूरत है। जमुना आप चले जाइए, बदबू आती है वहाँ, दो मिनट खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, जिसमें हम जो है सारा कूड़ा करकट अपने अकीदत के नाम पे डाल देते हैं कि चूँकि मंदिर से निकला हुआ फूल है तो उसमें चढ़ा देंगे, किसमें जो नाला नुमा यमुना है, गंगा है। अरे भाई ये क्या है ये सब तमाशा, आप गंगा स्वच्छ हो जाए, कौन इतराज़ कर सकता है? मुसलमान इतराज़ करेगा क्या गंगा स्वच्छ हो जाएगी जमुना तो, कि जिसमें वो खुद वजू करता था? ये तो रवायत थी हमारे यहाँ की। तो अगर गंगा स्वच्छ हो जाएगी, उसके घाट फिर से आबाद हो जाएंगे, पानी से जो है वो ठंडी हवा आएगी बदबू के बजाय, तो इस किसको नुकसान है इससे भाई? लेकिन जो बुनियादी काम है वो तो किया नहीं जाएगा, जिससे अगर गंगा स्वच्छ हो जाएगी तो आप समझिए कि इससे पानी भी मिलेगा। लेकिन आप जो भव्य बनाने की बात कर रहे हैं इतना ज्यादा, उससे क्या मिल जाएगा? बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपने दिल में भी बना लीजिए एक भव्य मंदिर, अपने दिल में भगवान का एक जो रूप बना लीजिए। हनुमान जी को आप मानते हैं, जय हनुमान का नारा लगवाते हैं, हनुमान जी ने राम को कहाँ दिखाया था? भव्य मंदिर बना दिखाया था क्या? अगर हनुमान जी चाहते तो एक मिनट में न जाने कितने मंदिर बन जाते, जितनी ताकत उनकी बताई जाती है। लेकिन उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखाया कि देखो सीता राम मेरे दिल में बसे हुए हैं। तो जो हनुमान भक्त हैं उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि अपने सीने में तो बसाओ, सीने में है नहीं, बाहर बनाने के चक्कर में लगे, झगड़ा फसाद एक मचाए पड़े हुए, तो ये रोकना चाहिए। जी मुमताज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। तो नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।